हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो अज के वीडियो दे विच मार्च 2019 के करंट अफेयर्स का पार्ट थ्री डिस्कस करांगे। इस तो पहला मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के टू पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो उस तो इलावा अगस्त 2018 तो लैके फैब 2019 तक के भी करंट अफेयर डिस्कस हो चुके हैं। सो सब स्टूडेंट्स जो फस्ट टाइम ये वीडियो नू देख रहे हैं, पिछले करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी जरूर देखो, ओके, ताकि थोड़े करंट अफेयर्स अच्छे तरीके दे नाल कवर हो जाए। तो जिन्होंने चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो, तो लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वास्ते बैल आइकन नू क्लिक करो। तो जिन्होंने ये चैनल तो फायदा हो रहा है ये वीडियोज़ देखने दे नाल, सो वीडियोज़ नू लाइक करो तो शेयर करो, ताकि उन्होंने स्टूडेंट्स तक भी वीडियोज़ पहुँच सकन जो कि कोचिंग नू अफोर्ड नहीं कर सकते। सो स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर। सब तो पहला करंट अफेयर हैगा कि ऐसी केड़ी कंट्री है जो कि लिबरेट हो चुकी है कितों, आईएस तो, आईएस मीनस इस्लामिक स्टेट, ओके। सो केड़ी कंट्री है, सीरिया, ओके। नेक्स्ट, एक अपने को क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे आया 2019 का, क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे, ओके, 2019। सो इहदे बारे की चीज़ां पतानियां चाहिए थानू। सब तो पहला तो यह जिहड़ा सर्वे है उन्होंने रिलीज़ किने किया, सो रिलीज़ बाय मर्सर, ओके। नैक्सट थानू यह पता होना चाहिए कि ये जिहड़ी रैंकिंग दिती गई है वह किस हिसाब नाल दिती गई है। ये बेसिकली मोस्ट लाइबल सिटीज़ नू दी रैंकिंग दिती गई है, ओके, मोस्ट कि रहन लायक जिहड़ी सिटी सब तो अच्छी है, ओके, उहदी रैंकिंग कीती गई है। तो जिहड़ा सब तो फस्ट रैंक आया है वह किहदा आया है, वह आया है बेसिकली वियना का, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ओके, ऑस्ट्रिया कैपिटल। एंड नैक्सट इंडिया दे विच अगर आपां गल करिए, इंडिया की दो सिटीज़ हैदराबाद ते पुणे, इन दोनों का जॉइंट रैंक आया 143, ओके। सो याद रखनी है चीज़ तुसीं। नैक्सट गल करते हैं थर्ड करंट अफेयर की, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट कितने लगाया गया, ओके। सो इनू ओपन किया गया है दुबई दे विच, तो उहदा नाम की है दुबई इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। सब तो पहला की बताना चाहिए कितने ओपन किया गया दुबई दे विच, ते नाम क्या है दुबई इंडस्ट्रियल पार्क, ओके। तो इनू केड़ी कंपनी ने बनाया, बाय एनवीरो सर्व कंपनी, मेन तो वैसे प्लेस ही पूछेंगे दे विच, ओके। फोर्थ न्यूज़ डिस्कस करते हैं, वो है रिगार्डिंग आईसीसी। आईसीसी मीनस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ओके। ये न्यूज़ क्यों है, ये बारे सब तो पहला एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं थोड़ा दसना चाहनी हूँ, यदा हैडक्वाटर, यदा हैडक्वाटर कितने है, बेसिकली हेक दैट इज नीदरलैंड, ये उपर क्वेश्चन आंदा ही रहा है, ओके। सो याद रखना है, हूँ न्यूज़ क्यों है, बिकॉज मलेशिया 124th मैंबर चूज किया गया, केड़ी कंट्री नू, मलेशिया 124th मैंबर, बस ये दो फैक्ट्स तुसी याद रखने हैं। नैक्सट फिफ्थ करंट अफेयर की गल करते, ऐसी केड़ी कंट्री है जिथे रीसेंटली एक गनमैन ने काफ़ी लोगों नू मारता, दो मजीक दे विच उन्हें गोलियां चलातियां, तो उन्हें लाइव वीडियो शेयर की सी फेसबुक के उपर, ओके। वो केड़ी कंट्री है, न्यूजीलैंड। सो याद रखना है, इंसीडेंट पूछ सकते हैं केड़ी कंट्री है, न्यूजीलैंड, ओके। सिक्स्थ गल करते हैं, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई सी किदे किदे विच, ट्रंप, ओके, एंड किम जोंग उन, ये कौन है, ये बेसिकली सुप्रीम लीडर है नॉर्थ कोरिया दा, ओके। इन दोनों दी मीटिंग दे उपर क्वेश्चन आंदा रहिंदा है, कित्थे हुई है, बेसिकली मीटिंग हुई है हनोई दे विच, वियतनाम च, ओके, हनोई दे विच इनू ऑर्गेनाइज किया गया सी मीटिंग नू, बस थोनू पता होना चाहिए भी कित्थे हुई है हनोई, ओके। नैक्सट गल करते हैं, सो सैवंथ करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। देखो
ऐसी केड़ी कंट्री है जिन्हें कि जेड़े पाकिस्तानी सिटीजनज है ओके उन्होंने लिए जी वीज़ा ड्यूरेशन है उन्होंने 5 ईयर्स तो घटा के किन्ना करता 3 मंथ्स सो केड़ी कंट्री है यूएसए ओके सो याद रखना है ये उपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं नैक्सट 8th है कि वर्ड ऐसी फस्ट वर्ड की ऐसी फस्ट केड़ी सिटी है जिन्हें कि वायरलैस इंडक्शन बेस्ड चार्जिंग स्टेशन टैक्सीज लई जिथे टैक्सीज हैं जिहड़ियां वह चार्ज हो सकन ओके वह इंस्टॉल किते हैं वह बेसिकली नाम है उस सिटी का ओस्लो मैं इतने लिख दिनी है कि इंस्टॉल किया इन्होंने इंस्टॉल वायरलैस इंडक्शन बेस्ड चार्जिंग स्टेशंस ओके ताकि जी टैक्सीज हैं वह रिचार्ज हो सकन ओके सो 9th करंट अफेयर है कि फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग किथे हो रही है ये जेड़ी मीटिंग है ये हो रही है सब तो पहला था ब्राज़ील दे क्यूरिटिबा विच ओके नेक्स्ट ये याद रखना है कि इंडिया नूं उत्थे कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर टीएस तिरुमूर्ति ओके एक ए फैक्ट याद रखना है हुण थर्ड ते अगर आपां ब्रिक्स की गल करिए इहदे उपर क्वेश्चन आंदा रहिंदा है कि जिहड़ी ब्रिक्स के विच नेशनस है केड़ी केड़ी है बी फॉर ब्राज़ील आर फॉर रशिया आई फॉर इंडिया सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका तो याद रखना है कि पहला ब्रिक हुंदा सी साउथ अफ्रीका बाद च ऐड हुई है ओके सो नैक्सट 10th करंट अफेयर की गल करते हैं वो है रिगार्डिंग वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2018 ओके सब तो पहली गल ये जी रिपोर्ट है दिती किने है बेसिकली IQ एयर विजुअल एंड ग्रीन पीस ने इनू रिलीज किया है रिपोर्ट नू उस तो बाद ये पता होना चाहिए कि टॉप किने किया है टॉप किया है गुरुग्राम ने ओके मतलब की है ये यह गल दसी गई है कि जिहड़ा गुरुग्राम है ओके ये वर्ल्ड का सब तो ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है गुरुग्राम 11th करंट अफेयर है रिगार्डिंग इनक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 ओके सब तो पहला इनू रिलीज किने किता है रिलीज बाय EIU ये वाला इंपॉर्टेंट है ओके EIU का मतलब की है इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ओके नैक्सट ये टॉप किने किता है ये वाले इंडेक्स स्वीडन ने एंड इंडिया का रैंक किन्ना 47th ओके सो 12th न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ओके जिहड़ी ये रिपोर्ट सी टोटल इहदे विच 156 कंट्रीज़ दे बारे मतलब रैंकिंग कीती गई है ओके सब तो पहली गल इनू रिलीज़ किने कीता है रिलीज़ कीती गई है बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क फॉर यूनाइटेड नेशन द्वारा ओके ते इहदे विच टॉप कीता है फिनलैंड ने इंडिया का रैंक आया है 140th ओके ते लास्ट आया है साउथ सुदान
इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये यूनाइटेड नेशन आ गया। यूनाइटेड नेशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुसी चाहे कोई भी पेपर दें। नेक्स्ट 13 न्यूज़ है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से रिलेटेड। ओके, सब तो पहला ये पता होना चाहिए कि उन्होंने रिलीज़ किने किता है। उन्होंने रिलीज़ किया WEF, दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म ने। ओके, उस तो बाद नेक्स्ट गल करते हैं, इंडिया का रैंक इस आया है 76, तो टॉप किने किता है स्वीडन ने। बस ये तीन चीज़ा पता होनी चाहिए, पर ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज WEF ने इनू रिलीज़ किया है। ओके, सो 14th करंट अफेयर डिस्कस कर दें। तो 14th करंट अफेयर कर दें हम। देखो, इंडियन साइंटिस्ट ने एक असैसमेंट की है क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी दे रिगार्डिंग। ओके, कि हिमालयन रीजन ऐसी केड़ी स्टेट है जिहड़ी सब तो ज़्यादा वल्नरेबल है, कि मतलब अगर कोई भी डिजास्टर आंदा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होंदा है तो उसकी वजह तो कोई डिजास्टर आंदा है तो सब तो ज़्यादा नुकसान कितने होने के चांसिस हैं, सो याद रखना है आसाम। करंट अफेयर है रिगार्डिंग, देखो जिहड़ी फोर्ब थी वर्ल्ड मीन सब तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिच कौन है सब तो ज़्यादा, ठीक है, सो फोर्ब की जिहड़ी वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट आई है। ओके, उन्हें टॉप किने किता है, अमेजन का फाउंडर जेफ बेजोस। ओके, तो इंडिया च मुकेश अंबानी का केड़ा रैंक आया, मिस्टर मुकेश अंबानी का आया 13th रैंक। ओके, सो 16th न्यूज़ भी फोर्ब्स मैगजीन के नाल रिलेटेड ही है। हुण आपां इहदे विच किहड़ी कैटेगरी की गल कर रहे हैं, यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर ऑफ ऑल टाइम। ओके, ये कौन बनी है, काइल जेनर। बस इनू एज अ फैक्ट याद रखियो। ओके, 17th है, एक USA दी मेटल कंपनी है। ओके, बेसिकली कंपनी का नाम है जो कि बार्बी डॉल्स बनाती है। ओके, सो ये कंपनी दी 60th एनिवर्सरी सी, तो वो एनिवर्सरी दे मौके ते उन्होंने एज ए रोल मॉडल किनू चूज़ किया है, तो उन्होंने चूज़ करके बार्बीज बनाई गई हैं। ओके, बार्बीज दी न्यू सीरीज़ बनाई गई है। सो नाम याद रखना है, किनू रोल मॉडल की तरह चूज किया गया, दीपा करमाकर। ओके, बस इन्नी चीज याद रखनी है थोने। नेक्स्ट 18th न्यूज है, कजाकिस्तान दे प्रेसिडेंट दा नाम दसो जिन्होंने 3 decades means 30 years जो पावर च रहे। ओके, तो उन्होंने अचानक ही अपना रेजिग्नेशन देता, सो की नाम उन्हों का, नूर सुल्तान नज़र बेवे। ओके, 19th है रिगार्डिंग मनोहर पारेकर। ओके, मनोहर पारेकर जी की डैथ हो गई सी, क्यों, ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह तो। ओके, मनोहर पारेकर जी 4 times CM रहे हैं गोवा दे, इन उपर क्वेश्चन आने पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, ते अपने फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी सी। ओके, ये जाने जाते से अपनी सिंपलिसिटी दे लई, तो ये फस्ट IITian है जो कि CM बने सी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनन वाले फस्ट IITian है। ओके, सो इन बारे ये कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट 20th फैक्ट है रिगार्डिंग साइक्लोन इडई।
ओके मेन ये पता होना चाहिए कि साइक्लोन कितने आया। बेसिकली ये 3 साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज च आया। केड़ी केड़िया ने? मोजाम्बिक, नेक्स्ट है जिम्बावे एंड थर्ड वन इज मलावी। ओके सो 21st न्यूज़ डिस्कस करते हैं। ये न्यूज़ कजाकिस्तान दे नाल रिलेटेड ही है। ओके हुने आपां पिछे पढ़े ना एक फैक्ट दे विच कि ऐसे प्रेसिडेंट दा नाम दसो कजाकिस्तान दे जो कि 3 डेकेड्स मीन्स 30 ईयर्स दे लई जो प्रेसिडेंट बने रहे पावर च रहे उत्थे। ओके तो उन्होंने अपना एकदम रेजिग्नेशन देता। सो उन्हां दा नाम की सी नूर सुल्तान नजर बे। ओके सो कजाकिस्तान ने की किया उन्होंने सम्मान देने दे लई कजाकिस्तान ने बेसिकली अपनी जिहड़ी कैपिटल है अस्ताना उन्हों रीनेम करता की रखता उहदा नाम नूर सुल्तान। ये वाला क्वेश्चन आम दे पूरे पूरे चांसेस हैं सो याद रखना है। ओके सो 22nd फैक्ट देखते हैं वो है रिगार्डिंग स्टार्स। स्टार्स है कि बेसिकली स्टार का मतलब है स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस। ओके ये फुल फॉर्म है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछते हैं इसलिए मैं पूरी लिखी है। हुन इहनू लॉन्च किने कीता है, इस स्कीम नू लॉन्च कीता है HRD मिनिस्ट्री ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD दी फुल फॉर्म है। ओके उस तो बाद इहनू कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? IIT बेंगलुरु इहनू कोऑर्डिनेट कर रहा है। ओके कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। देखो जिहड़ा इस स्कीम है ये बेसिकली क्यों बनाई गई है? ताकि जिहड़े साइंस दे प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें फंडिंग की जाए। ओके बस इन्ना याद रखना है, साइंस आ गया ना नाम, सो साइंस दे प्रोजेक्ट्स नू ही फंडिंग करन दे लई इस स्कीम नू लॉन्च किया गया। किहड़ी मिनिस्ट्री ने किया? HRD मिनिस्ट्री ने, तो कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? IIT बेंगलुरु। ओके बस ये फैक्ट्स हैं। हुण 23rd फैक्ट देखते हैं, वो है रिगार्डिंग CBSE। CBSE ने अपने सिलेबस दे विच 3 न्यू सब्जेक्ट्स नू ऐड किया है। वो कहड़े सब्जेक्ट्स हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके अगला अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड थर्ड वन इज योगा। ओके एक CBSE नाल रिलेटेड होर न्यूज़ है, वो है कि CBSE ने एक ऐप लॉन्च की है। बस वो ऐप का नाम पता होना चाहिए, नाम है शिक्षा वाणी। ओके बस इन्ना याद रखना है। नेक्स्ट 24th न्यूज़ देखते हैं, वो है रिगार्डिंग ग्राम समृद्धि योजना। ओके हुण जिहड़ी ग्राम समृद्धि योजना है ये हले लॉन्च करनी है गवर्नमेंट ने। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इनू फंडिंग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। जिथे वर्ल्ड बैंक का नाम आ जाए ना इनू फंडिंग कर रहा है वर्ल्ड बैंक, जिथे वर्ल्ड बैंक का नाम आ जाए समझ लो इंपॉर्टेंट है, पुछते हैं पेपरां च। ओके सो इनू इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इंडिया दे विच इंप्लीमेंट किया जाऊगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ओके इहदा एम है कि रूरल एरियाज दे अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सैक्टर्स नू स्ट्रेंथन किया जाए। ओके बस इन्ना याद रखना है। नैक्सट 25th न्यूज़ है, एक ऐप है उहदा नाम है ई धरती। ओके धरती सो जिहड़ी ऐप है इहनू लॉन्च किने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ओके
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਓਕੇ ਸੋ 26 ਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਵ ਇਧਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ਯ ਨਿਵਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਓਕੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਏਮ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘਟਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਇਓ ਇਥੇਨੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 27th ਫੈਕਟ ਉਹ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜੈਸੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਓਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਓਕੇ ਫੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਕੇ ਟੂ ਬੂਸਟ ਦੇਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਨ ਯੂਰਪ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਯੂਰਪ ਨਾਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਓਕੇ 28th ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਏਮਸ ਓਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਏਮਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਏਮਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 22nd ਜਿਹੜਾ ਏਮਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੂਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਮਨੇਠੀ ਮਨੇਠੀ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੂਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲੂਗਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਓਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 29th ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਯਾਸ ਓਕੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਫੋਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਇਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਓਕੇ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੇ ਓਕੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ 29 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ
ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਸੋ ਚਾਰ ਪਾਰਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਸੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ